अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं कैसीन अकबर और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरी वीडियो। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो यहाँ से इसे लाइक कीजिए, और अगर इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे आके कमेंट्स में लिखिए, कमेंट कीजिए जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं। इसके बाद अगर आप मेरी वीडियो डेली देखना चाहते हैं, जो मेरी नई वीडियोज आएंगी आप डेली देखना चाहते हैं, तो यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब हो गया। और आप अगर मेरी वीडियो फौरन देखना चाहते हैं, जैसे मैं अपलोड करता हूँ तो आपको फौरन मिल जाएंगी, तो यहाँ से इस बेल आइकन को दबाइए। ये बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है इसके, ये सिर्फ इसलिए है ताकि आपको मेरी वीडियो फौरन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान प्लान्स टू डेवलप ग्वादर शिपयार्ड। द नेशनल न्यूज़ ने एक न्यूज़ दिया कि पाकिस्तान जो है अपना ग्वादर जो शिपयार्ड है वो उसको अपग्रेड करना चाह रहा है। तो उसको अपग्रेड करने के लिए पाकिस्तान ने जो है कराची इंजीनियरिंग वर्कर्स के साथ मिलके एक कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी के साथ मुआहदा किया है कि वो पाकिस्तान के जो ग्वादर शिपयार्ड है उसको एक इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक एक इंटरनेशनल जो है उसको पोर्ट बनाना चाहता है। तो हर पोर्ट के जो बोर्ड है उसके ऊपर एक पाकिस्तान के ग्वादर बोर्ड पे 120 पोर्ट्स लगते हैं, या आप नक्शा देखें तो इस 120 पोर्ट लगते हैं। तो पाकिस्तान चाहता है कि बड़ा पोर्ट पीछे लगे और आगे एक छोटा बोर्ड लगे, इस तरह दो शिप्स जो हैं एक पोर्ट पर खड़ी हो सकती हैं। तो ये तो इन्होंने एक नक्शा दिया है सिंपली, असल में ये बहुत बड़ा होगा और ये 120 पोर्ट जो हैं वो कराची शिप ग्वादर बोर्ड पे जो है ना ये सामान उठाने वाली 120 जो हैं पॉइंट्स लग सकते हैं। तो इस तरह ग्वादर जो है वो बहुत ही एडवांस एक बेस बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से व्हीकल्स, बहुत सारा सामान, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं बहुत ईजीली हो जाएंगी, बहुत सारी कंट्रीज़ को जो है श्योरली वहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। तो पाकिस्तान जो है वो इसकी कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ाना चाहता है, इंक्रीज़ करना चाहता है। ये पाकिस्तान नेवी के साथ मिलके, पाकिस्तान नेवी ने ये देखें कि कह रहा है साइन किया हुआ है 30 मिलियन डील विद नॉर्वे बेस्ड TTS ग्रुप के साथ, ठीक है। तो ये किया है, ये पाकिस्तान कराची शिपयार्ड जो है इसको मिलके बनाएगा। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि कराची जो शिपयार्ड है बहुत पुराना है, ठीक है, ओल्डेस्ट है, इंजीनियर पाकिस्तान का सबसे पुराना स्टेबलेट जो है शिपयार्ड है वो कराची है, जहाँ पे शिप्स रिपेयर होती हैं, नई बनती हैं। तो इस तरह पाकिस्तान जो है अपना नया ग्वादर पोर्ट जो है बनाना चाह रहा है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ठीक है, इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना मेरा चैनल तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको नई नई इंटरेस्टिंग न्यूज़ देता रहूँ।